और अब बात करेंगे खबर मुंबई से। ये खबर सावधान करने वाली है। मुंबई के ठाणे से ये खबर है जहां एक डांसर की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल लेने से मौत हो गई है और वजह सिर्फ आपको बता दे पता होने के लिए पतला होने के लिए खाई गई ये गोली नहीं थी बल्कि जानकारी के अभाव में इसका ओवरडोज ठाणे की मेघना को हार्ट अटैक से मौत दे गया। देश का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, मॉडलिंग, डांसिंग और फिटनेस के लिए लोगों में हर हाल में बेहतर होने की चाहत उन्हें कोई भी कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। फिर बात चाहे मौत तक पहुंचाने वाले सप्लीमेंट्स की ही क्यों ना हो या फिर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स की, क्योंकि मुंबई के ठाणे में यही तो हुआ। 22 साल की जिस लड़की की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेघना देवडकर है जो एक डांसर थी, लेकिन स्लिम होने के लिए एक गलत दवाई ने इनकी सांसें ही इनसे छीन। आपके मन से जो दवाई सेवन कर रहे हैं वो समाज के लिए या खुद के लिए घातक है। ऐसे आदमी या कोई लोग करता है तो ऐसे उसने दवा वालों ने भी देना नहीं चाहिए और ऐसी दवा खाने से दुष्परिणाम टालने की प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मेरा सलाह है। वैसे डॉक्टर के अनुसार जब मेघना को अस्पताल लाया गया उनके शरीर का तापमान सामान्य से काफी ऊपर था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। मेघना को लाते ही आईसीयू में ट्रांसफर किया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। सवाल अब खड़ा होता है उस प्रतिबंधित पिल पर जिसको खाने के कुछ घंटों बाद ही मेघना की मौत हो गई, और सवाल ये भी कि इस स्लिमिंग पिल को लेने के लिए उसे कहा किसने था। अगर जांच में जिम का नाम इस पूरे मामले में सामने आता है तो कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी, लेकिन पुलिस को अभी उस रिपोर्ट का इंतजार है जो पूरे सच को सामने लाएगी। वेट लॉस का एक कैप्सूल लिया था, वो लेने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई तो पहले उसको लाइफलाइन हॉस्पिटल खोपट में और बाद में साइन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू थी। ट्रीटमेंट दरमियान वो डेथ हो गई है तो उसका विसेरा रिपोर्ट और ब्लड सैंपल एनालिसिस के लिए भेजा है। डॉक्टर का फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हम उसके बारे में खुलासा करेंगे, अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस तरह की किसी भी दवाई को लेने से यूं तो आपको बचना चाहिए, लेकिन अगर आप इनका सेवन कर भी रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखिए। जिम ट्रेनर्स या दोस्तों के कहने पर किसी भी तरह की कोई दवाई ना लें। शरीर को मोटा पतला करने के लिए दवाई एक्सपर्ट्स की सलाह से ही लें। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को सही मात्रा में लेना बेहद जरूरी है। दवाई लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना ना भूलें। इस तरह की हर घटना के पीछे की वजह जानकारी का अभाव ही होता है, और आजकल के दौर में हमारे और आपके घरों में भी ऐसी दवाइयों का सेवन करने वाले हर उम्र के लोग हैं। इसलिए अगर आप भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जागरूक रहिए, सावधान रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।